good morning 7th class we are again here in our science class so uh, today we are going to continue same chapter chapter number 2 nutrition in animals i hope you remember what we have done in our previous class we discussed about different ways by which animals are taking in food five process of digestion that is ingestion digestion absorption assimilation and excretion if you remember in my last class i showed you human digestive system so today we are going to start with the mouth and buccal cavity so let's start our class the mouth and buccal cavity food enters into mouth and in mouth there are three parts teeth saliva and tongue so i am going to explain all three parts in detail so let's start with the first part teeth i hope you all are aware what all are teeth okay सो टीथ इट ब्रेक फूड into small स्मॉल this दिस इज़ फंक्शन टीथ का काम क्या है इट ब्रेक फूड इंटू स्मॉल पीसेज ईच टूथ इज रूटेड हर टूथ की हर एक दांत की रूट होती है इफ़ यू कैन फील आपके जो गम्स से जुड़े होते हैं जो जबड़ा होता है जो गम होते हैं मसूड़े उनसे जुड़े हुए होते हैं ना टीथ सो ऑर्गन्स आर

डिफरेंट है ओके सो एज पर द अपियरेंस आपने कभी देखा हो बचपन में जो टीथ आते हैं दो डिफरेंट वो डिफ अलग होते हैं एंड द टीथ दैट ग्रो आफ्टर एज ऑफ एट जो एक बार दांत टूटने के बाद दोबारा आते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं सो वट वी कैन कॉल दीज टाइप ऑफ टीथ इन दोनों टाइप जो सेट है दोनों इनको क्या कहेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देर आर टू से पहले होते हैं एंड सेट टू जो कि मिल्क टीथ टूटने के बाद आते हैं दोथ सेट वन मीन मिल्क टीथ कब ग्रो करते हैं जब इनफेंसी बिल्कुल जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले जो दांत आते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं और सेकेंड सेट मीन्स परमानेंट टीथ कब आते हैं आफ्टर एट ईयर्स ऑफ एज मिल्क टीथ कब फॉल करते हैं इन द एज बिटवीन सिक्स टू एट ईयर्स सिक्स टू एट ईयर्स के बीच जो आपके मिल्क टीथ हैं वो गिर जाते हैं फॉल ऑफ हो जाते हैं लेकिन जो परमानेंट टीथ है वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं या फिर ओल्ड एज में गिर जाते हैं या फिर कोई डेंटल डिजीज है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है अपने आप से नहीं गिरते देन मिल्क टीथ दे आर वीक टीथ कमज़ोर होते हैं परमानेंट टीथ आर स्ट्रोंग टीथ परमानेंट टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं मिल्क टीथ आर ट्वेंटी इन नंबर मिल्क टीथ जो है सिर्फ ट्वेंटी होते हैं जबकि परमानेंट टीथ कितने होते हैं थर्टी टू मिल्क टीथ को रिप्लेस कौन करता है परमानेंट टीथ जबकि परमानेंट टीथ किसी भी सेट से रिप्लेस नहीं होते हैं okay i hope you all are clear with this so set one is milk teeth set two is permanent teeth fine milk teeth are also known as temporary teeth and permanent teeth are also known as deciduous teeth so now let's come to another type of te teeth jaw me first of all i hope you remember what do you mean by jaw सिक्स क्लास में स्कल पढ़ा था टू जॉज आर देर वन जॉ इज़ मूवेबल अनदर वन इज़ फ्यूज अपर जॉ जो होता है वो मूव नहीं करता है लोअर जॉ मूव करता है फाइन इन ईच जॉ देर आर सिक्सटीन टीथ सिक्सटीन परमानेंट टीथ होते हैं और वो सिक्सटीन कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या काम होते हैं दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अपेयरेंस एंड फंक्शन टीथ कैसे दिखते हैं और वो क्या काम करते हैं इस बेसिस पे फोर टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं फर्स्ट वन इज इंसीजर सेकेंड कैनाइन थर्ड प्रीमोलर फोर्थ मोलर सो लेट स्टार्ट विथ इंसीजर्स इन सीजर्स होते हैं आपके फ्रंट टीथ जो फ्रंट में आपको फोर टीथ दिखते हैं ऊपर और नीचे दोज आर इंसीजर टीथ और अगर आपने कभी ध्यान दिया तो हम उन्हें किस चीज़ में यूज़ करते हैं बाइटिंग एंड कटिंग एप्पल खाते हैं तो उन्हीं फोर टीथ से बाइट करते हैं कट करते हैं सो दो टीथ्स आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग सो इन सीजेज आर फ्रंट फोर टीथ जो फोर अपर जॉ में होते हैं एंड फोर लोअर जॉ में होते हैं सो दे हैव सिंगल रूट दिस इज रूट ये जो है इतना पोर्शन ये वाला ये वाला इतना पोर्शन गम्स में चला जाता है और ये इतना पोर्शन ऊपर रह जाता है दैट वी आर यूजिंग शार्प एज इसके जो किनारे होते हैं वो शार्प होते हैं सो इट हैज शार्प एज सिंगल रूट फंक्शन क्या है इसका व्हाट इज इट्स फंक्शन फंक्शन इज कटिंग एंड बाइटिंग टीथ दिस इज कटिंग एंड बाइटिंग टीथ इसे कटिंग या बाइट लेने के लिए यूज किया जाता है फाइन नेक्स्ट कम टू कैनाइंस केनाइंस टू इन ईच जॉ कैनाइंस टू होते हैं ईच जॉ में जो आपके इंसीजर्स होते हैं इंसीजर्स फोर टीथ के बाद आसपास जो पॉइंटेड टीथ आपको दिखेंगे वो होते हैं कैनाइंस नेक्स्ट टू इंसीजर्स प्लेस्ड होते हैं इनकी सिंगल रूट होती है और पॉइंटेड कस्प होते हैं ये जो है अपर क्राउन एरिया इसको कहते हैं कस्प कितना पॉइंटेड है सो so, ये वन कस्प है सिंगल पॉइंटेड कस्प देन इसकी जो रूट होती है वो लॉन्गेस्ट रूट होती है फोर टाइप्स ऑफ टीथ में से इसका जो रूट है वो लॉन्गेस्ट है एंड ये जो है कॉर्नर माउथ का जो कॉर्नर है इसके बाद आप देखेंगे ना कैंस को रिकग्नाइज करने के बाद तो जॉ जो, जो है वो मुड़ जाता है तो इसकी वजह से एक शेप आती है माउथ में फाइन एंड कैनाइंस इफ यू गूगल केनाइंस आपको टीथ भी मिलेंगे और जो डॉग्स होते हैं जितने भी कार्निवोर्स एनिमल हैं जो भी फ्लैश ईटर्स हैं स्पेशली जो डॉग्स हैं उनको केनाइंस कहा जाता है आपने कभी भी डॉग देखे हो तो उसके सिर्फ पॉइंटेड टीथ दिखते हैं ना उनमें एनिमल्स में कार्निवोर एनिमल्स में कैनाइंस ज़्यादा होते हैं फाइन्स और डॉग्स आर ऑल्सो नोन एज कैनाइंस इफ यू सर्च सो फंक्शन क्या है कैनाइन का इनका काम है पियर्सिंग छेद करना क्योंकि ये इतने पॉइंटेड होते हैं तो इनका काम होता है बेसिकली किसी भी सरफेस में होल करना छेद करना और उसे फाड़ देना टीयरिंग फूड पियरसिंग एंड टीयरिंग फूड फाइन नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ टीथ आर प्री मोलर्स प्री मोलर्स इन ये कहा होते हैं ये कैनाइंस के बाद में आते हैं ये पूरे एट होते हैं नंबर में ईच जॉ में फोर फोर सो फोर इन ईच जॉ अपर जॉ में फोर लोअर जॉ में फोर फाइन और फोर में भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है कैनाइंस के राइट में दो और कैनाइंस के लेफ्ट में दो फाइन जस्ट सी द स्ट्रक्चर इसमें वन टू थ्री फोर थ्री टू फोर कस्प्स होते हैं मीन्स पॉइंटेड एरियाज होते हैं ये रूट्स हैं इनकी अब ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा रूट्स हैं उतनी अच्छी होल्डिंग है जिसको आप डार्ड कहते हैं वो प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं सो प्री मोलर्स का काम क्या है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग चूसना चीज़ों को च्यू करना और उसे ग्राइंड करना बिल्कुल बारीकी से उसको क्रश कर देना ताकि आप उसे अच्छे से स्वेलो कर सकें आप उसे अच्छे से सटक सकें नेक्स्ट पार्ट जो बिल्कुल आपके जबड़े में आपके जॉ में सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं दोजार मोलर्स जब उनको फील करेंगे तो बिल्कुल फ्लैट लगते हैं सो मोलर्स आर ट्वेल्व इन नंबर सो डिवाइड करेंगे सिक्स सिक्स ईच जो हमें होते हैं इसमें जो है थ्री रूट्स होती हैं अगर ध्यान हो तो इन सीजर्स एंड कैनाइंस में वन रूट है प्री मोलर्स में टू रूट्स हैं और वहीं आपके मोलर्स में थ्री रूट्स हैं एक रूट जो है विजिबल नहीं है बैक साइड में फाइन सो ब्रॉड सरफेस होता है इसका इसके जैसे थ्री टू फोर होते हैं इसमें फोर टू फाइव कस्प होते हैं मतलब पॉइंटेड पोर्शन जो है फोर टू फाइव होते हैं काफ़ी ब्रॉड होता है जिससे ग्राइंडिंग ईजी हो जाती है और क्रशिंग जो है बहुत ईजी होती है मिनसिंग बिल्कुल अच्छे से च्यू हो जाता है खाना सॉफ्ट हो जाता है ताकि उसे स्वेलो किया जा सके राइट सो विद दिस फर्स्ट पार्ट टीथ इज कंप्लीट नाउ फंक्शन ऑफ मोलर्स आर सेम एज प्री मोलर्स च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट द लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन माउथ जिसको आप कहते हैं ना पानी आ गया मुंह में पानी आ गया दैट इज नोन है दैट इज सलाइवा सो सलाइवा इज मेडअप ऑफ टू थिंग्स नाइन्टी एट परसेंट ऑफ वाटर एंड टू परसेंट ऑफ अदर मटीरियल विच मटीरियल एनजाइम्स एनजाइम्स होते हैं वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं इसका एग्जाम्पल इसमें जो एंजाइम है वो है सलाइवरी अमाइलेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज ये सलाइवा में प्रेजेंट है इसका काम है डाइजेशन को स्टार्ट करना सबसे पहला स्टेप जो डाइजेशन में होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से जब हमारा खाना जो है मिक्स होकर ग्राइंड होकर सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी माइलेज है उसका काम है स्टार्च एंड फैट को डाइजेस्ट करना अब अगर आपको याद हो तो क्लास सिक्स में इन क्लास यू हैव परफॉर्म्ड एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च पटेटो के ऊपर आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है तो वो स्टार्च की प्रेजेंस है स्टार्च एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सो so बेसिकली जो मीठा होता है वो सबसे पहले डाइजेस्ट हो जाता है सलाइवा में और जो फैट है फैट कैसे रिकोगनाइज करेंगे जिस चीज़ में स्लिपरीनेस होती है जो ऑयल होगा बटर होगा उन सब में स्लिपरी होता है वो तो इस वजह से उसमें फैट की प्रेजेंस को आप चेक कर सकते हैं सो सलाइवरी अमाइलेस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड फैट ये फंक्शन है इसका सेकेंड ये क्या करता है वेटिंग फूड खाने को गीला कर देता है जिससे क्या होता है ल्यूब्रिकेशन हो जाती है मीन्स खाना आसानी से फिसल जाता है और आसानी से सटका जा सकता है अब ल्यूब्रिकेशन जैसे कभी आपके घर के डोर्स में आवाज़ें आती हैं हार्ड हो जाता है तो क्या करते हैं ऑयलिंग करते हैं ग्रीसिंग करते हैं आपकी बाइसिकल की चेन में तो वो ग्रीसिंग क्यों की जाती है ताकि उसे ल्यूब्रिकेट किया जा सके ताकि सरफेस को स्लिपरी बनाया जा सके और उसमें से आवाज़ें ना आए या सरफेस हार्ड ना हो कुछ ब्रेक ना हो तो यहाँ पर भी अगर खाना जो है वो हार्ड रहेगा सॉफ़्ट नहीं होगा तो आपकी जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ है जो आपके माउथ के अंदर की स्किन है वो डैमेज हो जाएगी उसमें कट लग जाएंगे सो so, उसको सॉफ्ट बनाने का काम भी सलाइवा का है सलाइवा खाने को गीला कर देता है वेटिंग फूड टू प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन इसका क्या काम है इसकी वजह से उसे सटकने में आपको स्वेलो करने में आसानी रहती है राइट सो वेद दिस सलाइवा इज ऑल्सो कम्प्लीट नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक टूथ डिकेट टूथ डीके इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक और आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा ब्रश कर लो नहीं तो दांत में कीड़ा लग जाएगा उठो मीठा मत खाओ दांत में कीड़ा लग जाएगा कीड़ा लग जाएगा फर्स्ट ऑफ थिंग कोई कीड़े जैसी चीज़ मुंह में नहीं होती है फाइन सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज टूथ डे टूथ डे मींस डैमेज टू टीथ दांतों में जब डैमेज हो जाता है जब उनमें होल्स हो जाते हैं तो वो टूथ डके कहलाता है वो जो डैमेज होता है दैट इज़ नॉट एट ऑल ड्यू टू एनी होम किसी कीड़े की वजह से नहीं है सो हाउ दैट हैपन्स माउथ के अंदर हमेशा ही बैक्टीरिया रहते हैं दीज बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल ये नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है बट बैक्टीरिया माउथ में ऑलवेज प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया का काम है शुगर और जो बचा हुआ फूड है उसको डाइजेस्ट करना खा लेना फाइन लेकिन अगर आप कुछ मीठा खाते हैं या फिर आपने खाना खाया और आप सो गए हैं तो वो उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे और क्या बनाएंगे एसिड इस एसिड की वजह से जो टूथ का क्राउन होता है जो टूथ का वाइट पार्ट होता है वो सारा डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से टूथ डैमेज होगा और बन जाएगा होगा क्या टूथ डीके दांत सड़ जाएगा फाइन सो so, कोई भी वॉम नहीं है सिर्फ जो एसिड है जो बैक्टीरिया बनाते हैं उसकी वजह से टूथ डैमेज होता है फ़ाइन अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है टूथ एक होता है दांत में दर्द होता है मुंह में से गंदी स्मेल आती है फाउल माउथ स्मेल गम में ब्लीडिंग मीन्स जो आपके मसूड़े हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है और एक्सट्रीम केसेस में अगर आप अपने माउथ की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं और वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है तो वो क्या करता है स्टमक एक हो जाता है उससे स्टमक इन्फेक्शन होगा या फिर पेट में दर्द होने लगेगा नाउ लेट्स कम टू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज टंग टंग, जीब। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन आपको पता है टंग एक हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई भी बोन नहीं है टंग में कोई बोन नहीं होती है वो सिर्फ मसल्स या फिर फ्लैश जिसे मांस कहते हैं उससे बना है बट स्टिल इट इज मूविंग इट इज़ वर्किंग सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गन टंग इट इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन इट इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल केविटी बकलकेविटी जो आपके गले को बिल्कुल अंदर है जो ओपन कैविटी आपको दिखती है जिससे फूड पाइप अंदर जाता है दैट इज बकल कैविटी, बिल्कुल बकल कैविटी के फ्लोर से मतलब जो बॉटम होता है उसे अटैच्ड होती है फ्रंट पार्ट जो है टंग का वो फ्रीली मूवेबल होता है हर डायरेक्शन में मूव करता है सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ टेस्ट बर्ड्स एज यू कैन सी एज यू कैन फील हम टंग से क्या करते हैं हम टंग से टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के लिए ऑर्गन्स हैं पार्ट्स हैं बर्ड्स हैं सो देर आर फोर बर्ड्स फ्रंट पार्ट जो है टंग का उससे आप स्वीट थिंग्स को टेस्ट करते हैं कॉर्नर टू ये जो ब्राउन है शेडेड वन इससे आप सॉल्टी चीज़ों को टेस्ट करते हैं द ग्रीन वन इनसे आप सार मीन्स खट्टी चीज़ों को टेस्ट करते हैं और जो बिल्कुल कॉर्नर में है बिल्कुल टॉप पर इससे आप बिटर चीज़ें मतलब जो कड़वी चीज़ें हैं उनको टेस्ट करते हैं Fine. सो so, टंग functions आर इट helps इन टॉकिंग इट helps इन मिक्सिंग फूड with सलाइवा एकदम spatula की तरह एकदम स्पून की तरह काम करती है फूड को सलाइवा के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देती है और ये आप अगर कभी खाना खाएंगे ना तो ध्यान दीजिएगा तो टंग हेल्प करती है फूड को स्वेलो करने में टंग जो है वो फूड को धक्का मारती है फूड पाइप में जो स्वेलोइंग हो फूड में भी हेल्प करती है एंड टंग टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड जो टेस्ट है फूड का वो भी बताने में हेल्प करती है नाउ लेट्स कम टू फूड पाइप फूड पाइप सी इज अ पाइप दैट इज कनेक्टिंग